नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर अलका राय, उप पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, आपका NIS स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सत्र पुस्तकालय सामग्री का व्यवस्थापन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल है। इस सत्र में हम लोग बात करेंगे कि क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है लाइब्रेरी मटेरियल को यानी पुस्तकालय सामग्री को व्यवस्थित रखने का, क्या उसके उद्देश्य हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या क्या प्रोसेसेस लाइब्रेरी में होते हैं जिससे कि स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने लाइब्रेरी मटेरियल्स को व्यवस्थित करते हैं। तो अगर हम किसी भी लाइब्रेरी की बात करते हैं, अगर केवल पुस्तकों और अन्य पाठ्य सामग्री से भरपूर स्थान अथवा भवन को ही पुस्तकालय की संज्ञा नहीं दी जा सकती, बल्कि पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहां सूचना स्रोतों यानी इन्फॉर्मेशन सोर्सेस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपयोगता उन्हें किसी निजी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त कर सके। उदाहरण के तौर पर अगर आप कल्पना करिए कि अगर आप किसी दुकान में जाते हैं या किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं, या अपने घर में भी आप देखिए कि अगर आप चीजों को ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित नहीं रखेंगे तो एक सामान को ढूंढने के लिए हमारा कितना समय जाएगा। तो ऐसे ही लाइब्रेरी जो कि कलेक्शन होता है किताबों का, मैगजीन्स का, जर्नल्स का, ऑडियो विजुअल्स होते हैं, हम मैप हैं, बहुत तरह के होते हैं, अगर हम उनको कैटेगराइज नहीं करेंगे उन रिसोर्सेज को तो कितना ये मुश्किल होगा, ना केवल लाइब्रेरियंस के लिए जो लाइब्रेरी में काम करते हैं, बल्कि जो हमारे यूजर्स हैं, जो उपयोगता हैं, जो उनको उनकी आवश्यकता है जिसके आधार पर वो अपने नॉलेज गेन कर सकते हैं उन माध्यमों से, उनको कितनी दिक्कत आएगी। अगर जैसे किसी ग्रॉसरी शॉप पे एक एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे वहाँ जाइए तो आपको स्टेपल्स हैं, दालें हैं, मसाले हैं, सब अलग अलग कैटेगराइज करके वहाँ पे सारे शेल्फ पे रखे होते हैं। जैसे ही किसी की कुछ डिमांड आती है वो तुरंत वहाँ से निकालते हैं और दे देते हैं। इससे क्या होता है कि दोनों का समय बचा। तो जो हमारे लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के जिनको जनक कहा जाता है डॉक्टर SR रंगनाथन, उन्होंने 5 सूत्र दिए। उसमें से एक सूत्र था कि सेव द टाइम ऑफ यूजर्स, यानी अपने उपयोगता का समय बचाना। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम लाइब्रेरी में जितने भी मटेरियल हैं उनको हमने एक साथ रख दिया, उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया, उनको व्यवस्थित नहीं किया, तो उसको एक किताब को भी ढूंढना कितना मुश्किल होगा। उपयोगताओं द्वारा पाठ्य सामग्री का अधिकतम उपयोग केवल तभी संभव हो सकता है जब सूचना स्रोतों को भली भांति व्यवस्थित किया गया हो। इस स्थिति में पाठ्य सामग्री टेक्सचुअल मटेरियल और पाठ्येतर सामग्री नॉन टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंट और डिजिटल नॉन प्रिंट मटेरियल, सबको हमको ऑर्गेनाइज करना होता है जिससे वो आसानी से उपलब्ध हो। क्योंकि अगर लाइब्रेरी में किताब है, किताब की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अगर हम उनको भी व्यवस्थित नहीं कर रखते हैं, या मैगजीन्स को भी उसी किताब के सेक्शन में रख देंगे, हम जर्नल्स को भी वहीं रख दे रहे हैं, ऑडियो विजुअल, तो यह मुश्किल होगा। ना कि लाइब्रेरी का नुकसान है, इससे हमारे यूजर्स और हमारा भी नुकसान है। तो लाइब्रेरी आपके घर में भी किताबें होती हैं, आप रखते हैं, लेकिन हम उसको लाइब्रेरी क्यों नहीं कहते, क्योंकि वहाँ पर हम ऑर्गेनाइज नहीं होता है उसको, हम व्यवस्थित उस तरह से नहीं जैसे लाइब्रेरी में कैटेगराइज करके रखते हैं, वैसे नहीं होता है नॉर्मली। तो इसीलिए लाइब्रेरी में जो व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर रिसोर्सेज है पर उसका अगर हम डिस्प्ले नहीं कर पा रहे, और डिस्प्ले तभी होगा जब हम उसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, न पाठकों के लिए न हमारे लिए, क्योंकि हम भी अपना समय उसमें गंवाते हैं और पाठक का इंटरेस्ट भी उससे ख़त्म होता जाता है। अब लाइब्रेरी में कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं, तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो 2 प्रारूप हैं जिनको कि मुद्रित अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सहजे हुए मानवीय ज्ञान को पुस्तकालय सामग्री कहा जाता है। यह सामग्री विभिन्न प्रकार के जैसे मुद्रित यानी प्रिंट और नॉन प्रिंट दोनों ही रूपों में उपलब्ध होती है। पुस्तकालय सूचना संग्रह, सूचना स्रोतों, संसाधनों और सेवा प्रदान करने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है। यानी लाइब्रेरी का क्या काम है, पहले तो हम इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी की तरह काम करते हैं, फिर हम सारी जितने भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं उनको हम अपने यूजर्स तक पहुँचाने का। क्योंकि अगर लाइब्रेरी में ये सारी चीज़ें हैं, पुस्तकालय में सब कुछ है, हमारे पास सारा कलेक्शन है, पर हम अपने यूजर्स तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं उनको, तो लाइब्रेरी का जो पर्पज़ है वो नहीं सॉल्व होता है।
पुस्तकालय सामग्री के प्रकार, अगर टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स की बात हम करें तो उसमें प्रिंट मटेरियल, नॉन प्रिंट मटेरियल, आप सबको पता है कि जो किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, जो प्रिंटेड फॉर्म में, जिनका फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, वो प्रिंट मटेरियल है। और नॉन प्रिंट मटेरियल कोई भी चीज़ जो फिजिकली नहीं अवेलेबल है वो नॉन प्रिंट मटेरियल है। टाइप्स ऑफ प्रिंट मटेरियल, तो लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी का सबसे बड़ा जो कलेक्शन होता है वो किताबों का होता है। किसी लाइब्रेरी से हमारे दिमाग में एक ही इमेज आती है कि कोई भी बड़ा सा बिल्डिंग या कमरा पूरा किताबों से भरा हुआ, जिसमें किताबें, मैगजीन, समाचार पत्र और संदर्भ ग्रंथ यानी रेफरेंस बुक्स भी होती हैं। तो वो ये सब मुद्रित यानी प्रिंटेड प्रिंट मटेरियल जिसको हम कहते हैं, वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। टाइप्स ऑफ अदर प्रिंट मटेरियल जो कि और भी हैं, उसमें लघु शोध प्रबंध तथा शोध प्रबंध जिनको डिजर्टेशन एंड थीसिस कहते हैं, स्टैंडर्ड्स, मानक, पेटेंट्स, मानचित्र, मैप्स, प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट्स की, तरह तरह के रिपोर्ट्स को भी हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब पुस्तकों की बातें करें कि अगर पुस्तक को क्या कहा जाता है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा कि कोई भी लिटरेरी साहित्यिक कृति जो कि या तो पेस्टेड होती है या सिलाई की गई होती है और दो कवर के बीच में यानी दो सुरक्षा कवच के बीच में होता है, तो उसको वो पुस्तक कहा गया जो कि अलग से प्रकाशित होती है और इसकी अपनी एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे कि कोई भी अगर पुस्तक बाजार में आती है या मार्केट में आती है तो उसका एक ISBN नंबर होता है, उस हर किताब का एक यूनिक ISBN नंबर होता है, एक उसका टाइटल होगा जिसकी वो भी यूनिक होगा, और ऑथर, पब्लिशर सारे उसमें सबका डिटेल उस किताब में पाया जाता है। और किताबें जिसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है नॉलेज के क्षेत्र में, कि जो किताबों का इन्वेंशन हुआ कि किताबें लिखी गई, क्योंकि यह एक तरह से ज्ञान को आगे की तरफ ले जाता है, बढ़ाता है, जो कि 50 साल पहले भी कोई किताब लिखी गई तो हमें आज की डेट में अगर हमें उसे पढ़ना है, देखना है, तो हमें वो मिल जाती है। और इसमें जो पुस्तक एक लिखित या मुद्रित साहित्यिक कृति यानी लिटरेरी वर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अलग से प्रकाशित होती है, इसमें दो सुरक्षा आवरण के बीच पृष्ठ होते हैं और भौतिक स्वरूप में इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है कि हर किताब अपने आप में एक यूनिक है। और किताबों की भी, जैसे बहुत सारी लाइब्रेरीज में किताबों को मोनोग्राफ की तरह कहा जाता है, पर हर किताब अब यूनिक है अपने आप में, और जो लाइब्रेरी में किताबों को भी डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि जनरल बुक है, टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक, जैसे रेफरेंस बुक की जो केवल लाइब्रेरी में रेफर के लिए होता है, और उसके उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया है या डिक्शनरी है, जो रिपोर्ट्स हैं तरह तरह की, वो सारे रेफरेंस बुक्स के अंतर्गत आते हैं। पीरियोडिकल्स या मैगजीन्स, अगर इनकी बात हम करें तो जो ये एक ऐसा प्रकाशन है जिसका एक विशेष शीर्षक, मतलब एक स्पेशल नाम होता है, एक टाइटल होता है, जो पूर्व निर्धारित अथवा सतत समयावधि पर प्रकाशित होता है। अब जो मैगजीन, जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे है, टाइम्स मैगजीन है, फ्रंट लाइन है, जो भी, या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतियोगिता दर्पण है या कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, इस तरह की जितनी भी मैगजीन्स हैं आप उसमें देखेंगे कि वो एक रेगुलर इंटरवल के पर प्रकाशित होती है। और पत्रिका में भी जैसे लेख होता है, संपादकीय यानी एडिटोरियल, फीचर्स, विशिष्ट खंड, स्तंभ, कहानियां एवं अन्य प्रकार की सामग्री होती है, और जिसमें एक तरह से अनेक लेखकों की प्रस्तुति के रूप में इसको संकलित किया जाता है। क्योंकि जैसे किताब में हमने केवल एक लेखक होता है, किसी एक की कृति है, अगर वो एडिटेड बुक है तो उसमें बहुत लोगों के आर्टिकल्स को एक एडिटर एडिट करता है, पर अगर मैगजीन्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे लेखक के प्रस्तुति होती है जिसको संकलित करके एक मैगजीन या पत्रिका बनती है। अब पत्रिका और जर्नल्स, जर्नल्स भी आपने सुना होगा, तो जर्नल्स जो होता है वो बेसिकली उसमें रिसर्च के आर्टिकल होते हैं और उसमें रिव्यू होता है, उसमें ब्लाइंड रिव्यू किया जाता है, उसमें 3-4 लोगों को वो आर्टिकल भेजा जाता है, उनके जो उनके फीडबैक होंगे उसके आधार पर उसको छापा जाता है। जबकि पत्रिकाओं में है कि वो केवल जो एडिटर या संपादक होता है उसके पास जाता है, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो थोड़ी बहुत खुद एडिटिंग करके उस पत्रिका में आर्टिकल का पब्लिकेशन या प्रकाशित हो जाती है।
समाचार पत्र ये भी एक लाइब्रेरी का बहुत महत्वपूर्ण प्रिंट मटेरियल का हिस्सा है, जो कि समाचार पत्र एक ऐसा प्रकाशन है जिसमें अद्यतन घटनाओं यानी करेंट इवेंट्स के समाचार, इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी करेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें समाचार पत्र के माध्यम से मिलती है। इसमें बहुत सारे ज्ञानवर्धक लेख और डिफरेंट फीचर्स, एडिटोरियल, विज्ञापन आदि प्रकाशित होते हैं। इसका प्रकाशन जो समाचार होता है, जैसे कि आप सबको पता है कि वो दैनिक होगा या साप्ताहिक होगा, और समय समय पर किया जाता है, और जिसमें कि वही तात्कालिक समाचार जो करंट न्यूज़ होते हैं वो प्रकाशित होते हैं। वो उनके जैसे कुछ उदाहरण आप लोग जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे अखबार हैं जो दैनिक अखबार यानी डेली जिनका प्रकाशन होता है और हमारे घरों पर हम लोग रोज़ सुबह आते हैं और हम पढ़ते हैं, और इसको एक तरह से करंट अवेयरनेस, जो कि आपको तात्कालिक जो भी जानकारियाँ हैं वो इनके माध्यम से मिलता है। और समाचार पत्र में वैश्विक यानी ग्लोबल न्यूज़ या नेशनल लेवल की राष्ट्रीय न्यूज़ होती है, तथा स्टेट में या कोई स्थानीय के महत्व की जो भी समाचार होते हैं प्रकाशित होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश में मान लीजिए हम रहते हैं, और वहाँ पे ही वो टाइम्स ऑफ इंडिया जो आप पढ़ेंगे उसमें नेशनल न्यूज़ कुछ पेज के होगा, उसके बाद वो स्टेट से रिलेटेड होगा। तो ऐसे ही जो हिंदी के भी हैं कोई अखबार, दैनिक जागरण, इन सारे में आपको नेशनल यानी राष्ट्रीय समाचार, और उसके बाद आपके राज्य से संबंधित, आप जिस भी राज्य में, उनका एडिशन वैसे ही आता है कि आपको वहाँ से संबंधित सारे अखबार, उस अखबार में चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, कोई न्यूज़ हो, कोई एडवर्टीजमेंट है, वो सारा लोकल मिलता है और प्रकाश। धन्यवाद।